हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो विद माय डेली लाइफ। में आज मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाली हूँ जो कि सचिन और मनीषा जो हैं या फिर जो नेहा जी हैं उनके बारे में ही बात करनी है। बेसिकली मैं मनीषा के बारे में ही बात करने वाली हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं भी सिवान से हूँ, मैं सिवान से बिलोंग करती हूँ, बट मैं नहीं जानती थी। तो मैं आप लोगों से बात भी करते रहूँगी, अपने कुछ काम भी करते रहूँगी, मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं, तो मैंने सोचा कुछ काम भी कर लेते हैं और आप लोगों से थोड़ा बहुत बात भी कर लेती हूँ इस टॉपिक पे। वैसे मेरा चैनल ऐसा कुछ नहीं है, मेरा रिएक्शन चैनल नहीं है या फिर मेरा ऐसा कोई ब्लॉगिंग चैनल भी नहीं है जिस पे मैं डेली के ब्लॉग या डेली के लाइफस्टाइल डालती हूँ, ऐसा कुछ नहीं करती हूँ मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल पे आप लोग DIY वगैरह देखते हैं, मेरे चैनल पे मैं वही अपलोड करती हूँ, वही डालती हूँ जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो मेरे चैनल का नाम भी मेरे मतलब काम से ही रिलेटेड है, मैंने रखा है। तो लेकिन मैं आज इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ क्योंकि मैं भी सिवान से बिलोंग करती हूँ, मैं भी सिवान की ही रहने वाली हूँ। लेकिन मैं 10 सालों से फ़िलहाल सिवान में नहीं रह रही हूँ, 10 साल हो गए मेरी शादी को, तो मैं यहाँ कोलकाता में रहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों से दूँगी और कराऊँगी, लेकिन ये टॉपिक जो है ऐसा है, इसमें मुझे बहुत वीडियो देखने के बाद मुझे कुछ बोलने का मन किया, बहुत मन करता है अलग अलग टॉपिक पे देखने के बाद कि इस पे कुछ रिएक्शन किया जाए, कुछ बोला जाए। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें लाइव वगैरह में देखने के बाद बार बार जो है बहुत सारे लोग मनीषा को ब्लेम कर रहे हैं। तो मैं सिवान में रही हूँ, मैं सिवान के मतलब माहौल को जानती हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि मनीषा, मैं सारी लड़कियों के बारे में नहीं बोल रही, लेकिन मनीषा जैसे दिख रही है अपने वीडियो में, मैं मनीषा या फिर सचिन जी के चैनल के बारे में भी नहीं जानती थी बहुत पहले से। मैं नेहा जी के चैनल को देखती हूँ, मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, जिस तरीके से उन्होंने आशीष जी का नाम लेके सबको मतलब उल्लू बना रखा था, तो उसमें मैं भी एक हूँ जो कि उल्लू बन के उनके वीडियोज़ देखती थी और बहुत ही दया आती थी उनके ऊपर कि बेचारी के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। बात भी करती थी मैं अपने घर में, बताती भी थी। तो अभी जो है ये सारी सच्चाई जब सामने आई तो ये सब सुन के बहुत ही बुरा लग रहा है कि मतलब ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने मतलब रिश्ते को एकदम से तार तार कर दिया है। लेकिन मनीषा के बारे में मैं पहले बता दूँ आप लोगों को कि मनीषा सिवान से है, सिवान के आसपास से ही होगी। तो उनके अंदर जो है मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं वो पति के साथ मिलके ऐसा गेम कर रही है, कुछ बोल नहीं रही है, पति का साइड ले रही है, तो मिली भगत है या फिर व्यूज़ के लिए ऐसा कर रही है। मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैं जानती हूँ अपने साइड के माहौल को, कि वहाँ लड़कियों को जो है रिश्ते जोड़ना सिखाया जाता है, ना कि रिश्ते तोड़ना सिखाया जाता है। जो कॉन्फिडेंस हम लोग मतलब या फिर आप लोग भी देख पा रहे होंगे नेहा जी के अंदर, वैसा कॉन्फिडेंस हमारे ये तरफ की लड़कियों में वाकई नहीं होता है, नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं होती है, कमी है या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, उनके अंदर टैलेंट की कमी है या फिर वो एजुकेटेड नहीं है। हमारे तरफ लड़कियां बहुत ही पढ़ाई में भी अच्छी हैं, उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं। मैंने भी सिवान से ही पढ़ाई की है, मेरा मैंने MCOM तक सिवान से ही कंप्लीट किया है। जिस तरीके से सचिन और नेहा ने भाई बहन के रिश्ते को मतलब कलंकित किया है ना, यहाँ पे मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि उन्होंने भाई बहन के ही रिश्ते को नहीं, उन्होंने सचिन ने एक टीचर के नाम को भी कलंकित किया है। मैं आप लोग से क्या बताऊं, हमारे तरफ जो सिवान में लड़कियां आती हैं पढ़ने, वो एक जगह से नहीं आती हैं, सिवान के इर्द गिर्द जो गांव हैं उधर से भी लड़कियां जो कुछ गाड़ी से आती हैं, ट्रेन पकड़ के भी आती हैं, इतनी दूर दूर से आती हैं पढ़ने के लिए। और सबके घर वाले मन मतलब एक होता है ना कि हाँ हमारी लड़की भी पढ़ेगी, ऐसा सोच के भेजते हैं, लेकिन पड़ोसी यही सोचता है कि लड़की को भेज रहा है ना,
लड़की जब कोई कांड करेगी तो पता चलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने टीचर को भी बदनाम कर दिया है, और अब क्या ही बोलूँ उनके बारे में। उन लोगों ने दो दो रिश्ते को ख़राब किया, एक भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया, उन्हें जो कुछ भी करना था जैसे वो लोग कर रहे थे नहीं किया था उन्होंने, इतना गंदगी मतलब फैला रखा था। और सचिन, अब वाकई आप लोग जैसे कई बोल रही हैं कि मेंटल है, ये है वो है, तो सच में वो इंसान बिल्कुल पागल ही है कि उसे कुछ मतलब क्यों नहीं दिख रहा था। हाँ, वो अपनी बीवी को नहीं देख पा रहा था, वो गलत कर किए जा रहा था नेहा के कहने पर, क्या था? ऐसा तो नहीं है वो एजुकेटेड नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, बट उसे सोचना चाहिए था। मैं बहुत सारे ब्लॉगर्स के वीडियोस देखती हूँ, मैंने सरिता जी के वीडियोस बहुत पहले से, मैं उनके ब्लॉग में मतलब कुछ वीडियो हमेशा नहीं देखती, मेरे पास बहुत ही कम टाइम होता है, मैं सारे वीडियोस तो नहीं देख पाती हूँ, लेकिन कुछ वीडियोस जो है कभी सामने आ जाती हैं तो मैं देख लेती हूँ। सरिता जी के वीडियो हुए, या फिर उन लोगों के साथ भी मतलब इन लोगों ने इतना गलत किया, नीतू जी की वीडियो में मुझे बहुत ही अच्छी लगती है उनकी कॉमेडी, उनके जो शॉर्ट्स आते हैं ना मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मैं उनकी वीडियोस बहुत देखती हूँ, उनके शॉर्ट्स तो मतलब बेसिकली मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। मैं लॉन्ग वीडियो नहीं देख पाती हूँ, मैं सही बता रही हूँ, मुझे तो मैं ब्लॉगिंग चैनल जो है बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, और कोई बात नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं बचता है इसीलिए मैं नहीं देख पाती हूँ। लेकिन इन लोगों ने जो कुछ भी यहाँ पे YouTube को इतना गंदा कर रखा है ना, अभी YouTube पे जो गंदगी फैला रखी है इन लोगों ने, ये सारी चीज़ें देख के बहुत 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 बुरा लग रहा है, बहुत ही गुस्सा भी आ रहा है। इन्हें जो कुछ भी करना था ऑफ कैमरा जाके करना चाहिए था इस तरीके से। और यहाँ पे बहुत लोग जो हैं, कल मैं रात को देख रही थी, मैं बहुत देर तक जगी रही अलका जी के लाइव में, अलका जी कोई हैं जिनके लाइव में बहुत सारी मैम जुड़ी हुई थी, उसमें एक एडवोकेट थी मैम, सी इज़ वेरी एजुकेटेड, मैं उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रही, बट उन्होंने बोला कि नहीं, नेहा को चुप नहीं रहना चाहिए था, नेहा को नहीं डरना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी हुआ है, इसमें 100% नेहा जी की गलती है। नेहा, पहले तो चीज़ की नेहा ने गलत किया, क्योंकि वो एक माँ थी, और उन्होंने इस तरीके से आशीष जी के नाम को यूज़ करके, इतने सारे मतलब फॉलोअर्स हैं उनके, इतने सारे लोग उन्हें जानते हैं, देखते हैं और पसंद भी करते हैं, बहुत सिंपैथी है लोगों के दिल में उनके लिए, जैसे मेरे दिल में भी थी। मैंने उनके वीडियो में कमेंट भी किया है, उनके नाम की, नेहा नाम की ही मेरी एक फ्रेंड है, सेम कंडीशन उसके साथ भी हुआ है, उसके भी हस्बैंड नहीं है, उसका भी एक बच्चा है। तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता था उनके ये जो एंगेजमेंट की वीडियोस आ रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ऐसा हमारे समाज में भी होना चाहिए था, हमारे समाज में भी होना चाहिए। तो जैसा कि मतलब और लोग बोल रहे थे कि मनीषा पति का साथ दे रही है, वो ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, उसे तो दूसरा कोई भी मिल जाता, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है मैम। हमारे यहाँ दूसरी शादी बाय चांस किसी की हो जाती है, वो भी अगर घर में लड़के का भाई है, छोटा भाई है, तो ऐसा हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा जाता है। हमारे यहाँ लड़कियों को अकेला रहना पड़ता है, और कहीं ना कहीं मुझे मतलब अब ऐसा रियलाइज़ हो रहा है ये सारी चीज़ें देखने के बाद, क्योंकि मैं नेहा जी की वीडियो बहुत सारी देखती थी, जैसा कि उन्हें उनके भाई के शादी में चूड़ियाँ पहनाई गई, ज़बरदस्ती पायल पहनाए गए। हमारे यहाँ मतलब ऐसा इंडिया में है कि एक विधवा को मतलब सिंगार करने का हक नहीं, कुछ पहनने का हक नहीं, उसे मतलब सादा जीवन जीना चाहिए, या जो कुछ भी था ऐसा लोगों ने नियम बना रखा था। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद वो नियम कहीं ना कहीं सही है या सही था, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि नेहा जी को किया गया, उनके परिवार वालों ने किया, उन्हें मतलब इस चकाचौंध वाली दुनिया में सब ने मिल के इन्वॉल्व किया, और
उन्होंने इतनी मतलब वो लाइट में इतनी खो गई कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा, उन्हें अपनी बच्ची का भी ध्यान नहीं रहा कि उसके नाम का क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। और ऊपर से वो सच में सही बोल रहे हैं सब लोग कि कर्मास रिटर्न होके आते हैं, सरिता जी की और जो आकांक्षा जी हैं उन लोगों के साथ, इन लोगों ने जो कुछ भी किया था तो उन लोगों के कर्माज जो हैं उन लोगों के सामने आ रहे हैं। और वाकई मुझे सरिता जी की वीडियोस बहुत ही पसंद आते थे, उनके ब्लॉग्स में मतलब ब्लॉगिंग चैनल लोग क्यों देखना पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉगिंग लोग पिक्चर देखना छोड़ के ब्लॉगिंग देखना शुरू कर दिए। वह मतलब उसका मेन कारण ये है कि ब्लॉगिंग में जो कुछ भी दिखाया जाता था सच दिखाया जाता था, लोगों को लगता था कि ये जो है एक रियलिटी दिखाई जा रही है, यहाँ पे रियल चीज़ों को दिखाया जा रहा है, इसलिए लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बट अब तो मतलब ऐसा लगता है ना कि कुछ दिन के बाद ऐसा कचरा मतलब अभी हो रखा है ब्लॉगिंग चैनल पे, जैसे एक दूसरे को यूज़ किया जा रहा है, एक दूसरे को अब्यूज़ किया जा रहा है। नीतू दीदी को इतना बेइज्जत किया गया, बदनाम किया गया, मतलब क्या क्या नाम नहीं दिए गए, तो ये सब चीज़ बहुत बहुत बुरा लग रहा है। अलका जी को यूज़ किया गया यहाँ पे, मतलब अपनी गलती होते हुए भी अपने आप को ऊपर रखना, और अगर एक बंदा गलत है वो मान रहा है तो दूसरे को भी मान लेना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, अगर इस पर किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी, बट मुझे मैं बेसिकली ही इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ इस टॉपिक पे बोलने कि मनीषा के बारे में प्लीज़ कोई ऐसा ना बोले, क्योंकि हमारे तरफ की लड़कियों को, बस मैं फिर से रिपीट करूँगी, हमारे तरफ की लड़कियों को रिश्ते जोड़ना सिखाया जाता है, ना कि रिश्ते तोड़ना। उन्हें सिर्फ यही सिखाया जाता है अपने घर के बात अपने घरों में ही रखो, अपने बड़ों के साथ मिलके सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं होता है तो अपने बड़ों के साथ सॉल्व करो, आप पड़ोसी पड़ोसी में भी नहीं बोलो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनीषा शायद उसके अंदर यही संस्कार हैं, यही बातें हैं, यही चीज़ें हैं कि जिन्हें वो संभाल रही है। हमारे यहाँ जो अच्छी लड़कियाँ हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, वो अगर एक शब्द बोलती हैं तो वो उसके बाद उसे 50 बार सोचती हैं। 50 बार तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, मतलब उसके बारे में उसे बहुत बार सोचना पड़ता है, मैं ऐसा बोलूँ ना बोलूँ, मैं ऐसा करूँ ना करूँ। मेरे क्योंकि हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है कि अब शादी के बाद अब तुम्हारी जिम्मेदारी दो कुल के इज्जत को संभाल के रखने की है, जो कि मनीषा के दिमाग में है। उसे बहुत सोच समझ के कुछ भी बोलना उसने मतलब वो बोल रही है, क्योंकि उसके मन में यही चल रहा होगा। और यही चीज़ सिखाई भी जाती है हमारे यहाँ कि कुछ भी करने से पहले अपने पिता, अपने भाई, अपने समाज और अपने ससुराल, अपने सास ससुर, अपने पति, अपने सबके इज्जत के बारे में तुम्हें सोच समझ के ही काम करना होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पड़ोसी क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, हमारे पिता के बारे में क्या सोचेंगे, उनकी लड़की ने ऐसा कर दिया, उनके घर में ऐसा है, उनका दामाद ऐसा है, उनका बेटा ऐसा है, उनकी बेटी ऐसी है। जैसे सचिन के परिवार को आप लोग देख पा रहे होंगे, वो लोग कितने शर्म में हैं, उनकी बहन, उनकी मम्मी, मतलब इन लोगों के ब्लॉगिंग चैनल को मैंने पहले नहीं, मैं जानती तक नहीं थी, मुझे 10 दिन हुए मुझे पता चला कि ये सचिन जो हैं और सचिन मनीषा मिस्टर एंड मिसेज राज जो हैं इनका भी एक चैनल है और ये लोग सिवान से बिलोंग करते हैं। मैं बहुत ही खुश हुई थी, सही बता रही हूँ, कह रही सिवान का भी कोई है यूट्यूब पे जिसके इतने फॉलोअर्स हैं, जो इतना अच्छा काम करता है। मैंने अपने घर में सबसे बताया भी था, सबको दिखाया भी था उन लोगों के पिक्चर को, वीडियोस को, यार ये देखो यही है, ये लोग सिवान से हैं। और उसके बाद ये सब इतना कचड़ा हुआ, तो जैसा कि कुछ अच्छा होता है तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ हमारे तरफ के लोग हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत प्राउड फील होता है। उसी तरह अगर कुछ बुरा भी होता है ना तो उतना ही बुरा लगता है हमें। तो यही रीज़न है कि मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ कि सचिन जो मनीषा है, सचिन की वाइफ, सचिन ने जो किया, सचिन आज बोल रहे हैं कि हमारे और मनीषा के बीच सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है।
हमारा रिश्ता फिर से सुधर गया, ऐसा शायद मनीषा की तरफ से उसके दिल में हमेशा ये रह जाएगा कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा रिश्ते में जब एक बार सचिन ने कुछ गलत कर दिया ना, वो घूम फिर के उन लोगों के सामने आएगा ही आएगा। इतना बड़ा कांड किया है इन लोगों ने, ये हमारे समाज में माफ़ी के लायक नहीं होता है। जैसा कि आप लोगों को देखने से पता चल रहा होगा कि उनका परिवार कितना, मतलब कितना बुरा फील कर रहा है, कितने दुख में है, कितने मतलब शर्म में है। उनकी बहन का चैनल है, उनकी मम्मी का चैनल, मतलब बहुत ही अच्छा लगा था मुझे देख के। मुझे अभी कल परसों में पता चला कि उनकी बहन का भी चैनल है, और जो सुचित्रा की क्या नाम है उनकी बहन है, मतलब ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ही बुरा लगा मुझे देख के कि ऐसा इन लोगों ने किया। इन दोनों लोगों ने मिलके मतलब एकदम कचरा कर दिया, एकदम हॉलीवुड बॉलीवुड बना के रख दिया यूट्यूब को भी। तो प्लीज़ ऐसा ना करें आप लोग, और मनीषा को तो ब्लेम ना ही करें। वो लड़की बहुत कुछ सोच समझ के, उसे वो अगर बोल रही है ना, ऐसा नहीं कि उसे बोलना नहीं आता होगा। अगर वो सोशल मीडिया पे इतने दिनों से है तो उसे बहुत कुछ आता होगा, बहुत कुछ सीख चुकी होगी। लेकिन हाँ, वो अगर सोच समझ के बोल रही है ना, तो उसके पीछे उसके परिवार की इज्जत है, हाँ उसके अंदर का संस्कार है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पिता का नाम उछलेगा कि उसकी बेटी उसका दामाद। हाँ, मेरे समाज में मेरे पिता का जो है, हमारे समाज में इज्जत खराब होगा, नाम खराब होगा, इसीलिए। बाकी कुछ नहीं है, ये तो वो भी बहुत कुछ कर सकती थी। बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर मेरी बात अगर किसी को हर्ट करती है तो आई एम सॉरी, बट इन दोनों ने बहुत ही बहुत बहुत रायता फैला दिया है। और मैं इन दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग को जो भी करना था ऑफ कैमरा करना चाहिए था, आप लोगों ने एकदम यूट्यूब पे भी कचरा कर दिया। मतलब इतने सारे रिएक्शन चैनल, जहाँ देखो वहाँ, जब भी मोबाइल खोलो इनके ही मैसेज, सॉरी इनके ही वीडियो शो होते हैं। सचिन के बारे में ये बोला, नीतू के सॉरी नेहा के बारे में ये बोला, और साथ साथ इन लोगों ने मतलब और भी सारे यूट्यूबर्स को परेशान कर रखा है, इन्वॉल्व कर रखा है, कि मतलब बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। मनीषा के लिए तो बहुत ही बुरा लग रहा है, बट आई होप भगवान से हम लोग दुआ करेंगे कि मनीषा के साथ सब कुछ अच्छा हो, कुछ बुरा ना हो। बट आप लोगों ने, आप दोनों ने मिलके बहुत बहुत बुरा किया। सचिन तो मान रहा है, पता नहीं वो मेरे हिस्से मुझसे बड़े हैं छोटे हैं, हो सकता है छोटे ही होंगे क्योंकि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और मैंने M.Com कंप्लीट किया था मेरी शादी के टाइम में ही, और मेरी शादी हुई थी, तो आई होप कि वो छोटे ही होंगे। बट टीचर हैं इसलिए मैं उनसे रेस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, उनके नाम को रेस्पेक्ट से ले रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर को बहुत बहुत इज्जत दिया जाता है। कहा जाता है ना कि गुरु और भगवान अगर खड़े हों तो उसमें गुरु का स्थान जो है सबसे ऊंचा माना जाता है, तो उसी तरह हम लोगों की तरफ जो है गुरु को बहुत ही ऊंचा माना जाता है, जो कि उसे भी कहीं कहीं ना कहीं सचिन जी ने जो है वो गंदा कर दिया है। तो बस यही कहना था, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।